Hello and welcome to Mahindra Guru, and you are welcome on the official channel, that is official YouTube channel of Mahindra Guru. I know you must be having several questions कि सर कल आप कहाँ चले गए थे, लेकिन सवालों को इनके सवालों के जवाब देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सवाल मैं छोड़ कर गया था उसका जवाब आप जान लें. और आज भी वो सेशन चलता रहेगा, और उस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ दिए. जो 50 क्वेश्चन होने वाले थे, उस 50 क्वेश्चंस की जगह आज भी 30 क्वेश्चन आपके सामने हैं. दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास अब 60 क्वेश्चन हैं. तो इससे पहले के मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर आवर चैनल सो दैट वी कुड रीच मैक्सिमम ऑफ पीपल, मैक्सिमम ऑफ कैंडिडेट. कल एग्जाम है, डर तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन डर के आगे जीत है, आपको मालूम है. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. आर यू रेडी फॉर द सेशन? जल्दी से अपना जवाब दें, #RRBPO लिखकर जल्दी से अपना जवाब दें. हेलो भावना, शुभांकर, बिल्कुल बिल्कुल कम टाइम में आपको ज्यादा बताया जाएगा. बिल्कुल नेहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. रितेश, सुमित, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो सभी लोग तैयार हैं? कल का जो सवाल जहां पर छूटा था, क्वेश्चन नंबर 30 था, जिसका जवाब आपको नहीं मिला था, और सेशन को हम लोगों को इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले थे हमारे महागुरु जो आपके साथ डिस्कस किए गए, और मैंने 10 सवाल एज अ कॉम्पेंसेशन आपके लिए जोड़कर और एक्स्ट्रा आ गए क्योंकि कल एग्जामिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. तो सवाल आपके सामने आ रहा है. क्वेश्चन वही था कि आनंद यादव हु डाइड रिसेंटली वॉज अ फेमस, क्या थे? तो जवाब देना शुरू कर दीजिए. हर्षिता गुप्ता ने कहा सर ये राइटर थे. बहुत सही, गुड मॉर्निंग नेहा, सुमन गुड मॉर्निंग, रविकांत गुड मॉर्निंग. ओके, चलिए सवाल सवाल का जवाब देना शुरू कर दिए. कम ऑन, अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दो. कह दो आप अपने दोस्तों से कि जीए का सेशन लाइव हो चुका है और सवाल पूछे जा रहे हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम. दो नंबर, कुछ लोग कह रहे हैं ऑथर. बहुत सही, बहुत सही. स्माइल के साथ शुभांकर मंडल आ चुके हैं. मिस यू टू मनीष. ओके, चलिए ये जवाब आपके सामने. कल का सवाल था और जवाब आपके सामने के ही वॉज एन ऑथर. अगला सवाल, आज का सेशन अब यहां से शुरू होता है. पहला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 31, याद रखें. हर 10 सवाल के बाद मैं आपका स्कोर जरूर जानूंगा, इसलिए अपना स्कोरिंग करते रहिएगा. सवाल है, विच इंडियन गोल्फर हैज वॉन द इनॉग्रल कतार लेडीज ओपन इन दोहा? जी हां, दोहा में जो कतार लेडीज ओपन हुआ था, उसमें भारतीय कौन से गोल्फर ने ये गेम जीता था, ये इनॉग्रल गेम था कतार लेडीज ओपन इन दोहा. व्हाट्स योर आंसर? तीन नंबर, बहुत लोग कह रहे हैं सर तीन नंबर इज द राइट आंसर. दैट सिंपली मींस कि तीन नंबर पे अदिति अशोक हैं, और तीन नंबर, तीन नंबर. जल्दी से और जल्दी से सवाल के जवाब देते जाएं, बहुत बहुत ही जल्दी से देते जाएं. लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा. और ये जवाब आपके सामने आ रहा है, जवाब है, जी हां, कितने लोगों का जवाब बिल्कुल सही रहा. कम ऑन, शो मी योर स्माइल, अपने स्माइल दिखाएं. बहुत सही, थम्स अप जरूर दिखाएं और #RRBPO लिखना ना भूलें. बहुत ही सही, बहुत ही सही. चलिए लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नया जो सवाल आपके सामने आने वाला है, देखते हैं वो क्या है. सवाल नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, हु बिकेम द थर्ड इंडियन बॉक्सर टू बैग गोल्ड मेडल एट द AIBA यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप? AIBA यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में थर्ड इंडियन बॉक्सर यानी तीसरे भारतीय बॉक्सर, मुक्केबाज, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया. जवाब दीजिए जल्दी से. रवीना चौधरी इज गिविंग आंसर नंबर 4. प्रदीप कह रहे हैं नहीं सर 5 नंबर है. शुभनाथ कह रहे हैं सर 1 नंबर है. कीर्ति इज हैविंग डिफरेंट ओपिनियन. बहुत से पीयूष 3 नंबर पे जा रहे हैं.
बहुत सही। और बहुत लोग नंबर टू विजय कृष्ण यादव, किसी ने कह दिया कम ऑन लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। द आंसर इज सचिन सिंह। तो कितने लोगों ने यह जवाब दिया था? और वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बहुत लोगों ने सचिन सिंह का नाम लिया था और सचिन सिंह इज द पर्सन टू गेट दैट मेडल। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स। भारत स्काउट एंड गाइड्स। विनय कह रहे हैं सर मेरा भी नाम ले लो। बिल्कुल मैं आप सभी का नाम ले लेता लेकिन क्या करूं, इतने तेजी से आपके आंसर आते हैं कि मैं आंसर देखने में बिजी रह जाता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि आप सभी की अटेंडेंस मैं मार्क कर लूं। थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग सो सून। जवाब देते रहिए क्योंकि बहुत से सवाल अभी भी हैं। मनिक कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर वन। श्रीधर कह रहे सर आई डोंट नो। विधन भी कह रहे हैं सर मुझे भी नहीं पता है। प्रियसी कह रही है पांच नंबर। डिंपल नंबर वन, श्रेयस भी नंबर वन को वोट कर रहे हैं। सुमन इज सेइंग द सेम। तो क्या आप जवाब के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द आंसर? क्वेश्चन नंबर 33। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड्स। ऑप्शन में आपके सामने है कौशल श्रीवास्तव, सुशील चंद्रा, राजेश कुमार चतुर्वेदी, अशोक लवासा, अनिल जैन। एंड द आंसर इज, कितने लोगों का जवाब सही था? अमन आपका नाम बोल दिया। जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। कितने लोगों का जवाब सही था? जितने लोगों का जवाब सही था वो थम्स अप कहां है, वो स्माइलिंग फेस कहां है? आशीष गुड, अरुण गुड आफ्टरनून, हेलो अरसलान, अनुराधा कह रही आई वॉज रॉन्ग, नेवर माइंड। देखिए अभी भी बहुत मौका है, अभी तो तीन क्वेश्चन हुए हैं आपके सामने, अभी 27 क्वेश्चंस आर वेटिंग, 27 क्वेश्चन। जो बहुत ज्यादा आंसर सही दे देगा उसके चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाता है। इस पर्टिकुलर शो में जो ये गेम हम हो रहे हैं, इसमें से कुछ सवाल आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही चांसेस ये हैं कि वो आ सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन। लवली सेइंग मेरा सही था, बिल्कुल सही था। जिसका जिसका जवाब आपका सही आया होगा, डोंट वरी, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 51st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट वॉज हेल्ड इन। द 51st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट वॉज हेल्ड इन। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए हैदराबाद, पुणे, गुजरात, लखनऊ एंड दिल्ली। नंबर वन, नंबर थ्री हैदराबाद कुछ लोग कह रहे हैं, उमेश वाड़कर कह रहे हैं नंबर फाइव, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग विद नंबर थ्री, रमेश नायक कह रहे हैं नंबर फाइव, विनय कुमार इज सेइंग हैदराबाद, पूजा इज सेइंग नंबर वन, विमल इज ऑल्सो सेइंग नंबर वन, और सुमित भी कह रहे हैं सर नंबर थ्री आंसर है। देखिए यहां पे आपके आंसर अब कोलाइड होना शुरू हो गए। दैट सिंपली मीन्स यू आर हैविंग डिफरेंस इन ओपिनियन अबाउट इट, एंड यही डिफरेंस इन ओपिनियन एग्जामिनेशन में डिफरेंस इन नंबर कर देता है। सो यू हैव टू मेक दैट राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आंसर क्या है इसका? आंसर इज नंबर वन, हैदराबाद। कितने लोगों का जवाब बिल्कुल सही था? हैदराबाद लॉक कर दिया जाए, और देश हमने लॉक कर दिया, जवाब आपके सामने है। दिप्तेंदु भी कह रहे हैं सर हैदराबाद, बिल्कुल सही। नीरज शर्मा सर माई नेम, बिल्कुल आपका नाम मैंने ले लिया। लेट्स गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 35 राइट इन फ्रंट ऑफ यू। विकेट कीपर जोनी बस्टो मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टेस्ट डिसमिसल इन अ कैलेंडर ईयर, ही बिलोंग्स टू विच टीम। तो यहां देखिए बस इतना पूछा गया है कि जोनी बेस्टो किस टीम से है, बाकी सब बातें हैं, खाली दो सवाल बहुत सीधा है कि जोनी बेस्टो किस टीम से है, बस इसका जवाब आप दे दीजिए। जॉनी बास्टॉक किस टीम के हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए पीयूष कह रहे हैं सर नंबर टू इज द आंसर, पटवा कह पटवा शिवानी कह रही है नंबर टू, प्राची एंड वैभव इज गोइंग फॉर नंबर थ्री, अनुराधा इज गोइंग फॉर नंबर टू, विनय कुमार कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में द क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज राइट इन इंग्लिश।
So you can, I hope you can give the answer either. The choices are very easy. किसी ने कहा जॉनी इंग्लिश, अब नाम उनका जॉनी है, मूवी का नाम जोड़ दिया जॉनी इंग्लिश. सो द आंसर मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग इज फॉर नंबर टू. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. ओके यू आर राइट, यू आर डेफिनेटली राइट. इंग्लैंड इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस. करें यू आर राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर. कुछ लोगों का नाम नहीं आ रहा था. मोहम्मद शमीम आपका नाम आ गया और आपका जवाब भी बिल्कुल सही है. इंग्लैंड इज द राइट आंसर. वेरी गुड. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू कैरी ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा जरा सा मुझे अपना स्कोर बता दीजिए. 5 क्वेश्चन हो चुके हैं. आई वॉन्ट टू जस्ट सी योर स्कोर. दिव्या मालवीय ऑप्शन नंबर 5 दे रही है. चलिए अब स्कोर बता दीजिए, जल्दी से स्कोर बता दीजिए बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू टेक ऑल द स्कोर्स. माला तिवारी इज वेरी हैप्पी. बिल्कुल 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 सभी का जवाब बिल्कुल सही है. लवली गुप्ता, चलिए आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए. अवधेश 5 में से 3. ओके 5 में 5 पीयूष, बहुत सही. ओके कुछ लोगों ने अभी खाता नहीं खोला है और कुछ लोग जब से बैटिंग कर रहे हैं तब से 4 रन ही बनाना शुरू कर दिए हैं. वेरी गुड. दैट इज योर स्कोर. ये याद रखिए, ये 5 सवाल हुए. 10वें सवाल पे फिर से मैं आपका स्कोर पूछूंगा और तैयार रहिएगा. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 इज, विच फिल्म हैज बिन इनवाइटेड बाय द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस फॉर अ स्पेशल स्क्रीनिंग एट इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क यूएसए. यानी जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वहां पर किस मूवी को स्क्रीन करने के लिए यानी दिखाने के लिए इनवाइट की गई है. तो आपके सामने जो मूवीज हैं वो 5 मूवीज के नाम है, तितली, कहानी, पिंक, अगली, सत्याग्रह. व्हाट्स योर आंसर. विच फिल्म हैज बीन इनवाइटेड बाय द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर अ स्पेशल स्क्रीनिंग एट इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क यूएसए. मोस्ट ऑफ द आंसर इज सर पिंक है. संजीव आपका नाम ले लिया, आपका जवाब अब देखते हैं सही है कि गलत है. वेट फॉर द आंसर. 2000% श्योर देवोजीत इज 2000% श्योर, बट आई गेस पर्सन कंटेंस ओनली 100. ओके 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 चलिए मान लेते हैं, देखते हैं जवाब क्या है. सभी लोग कह रहे हैं सर पिंक, दैट इज द राइट आंसर. नंबर 3 3 एकदम लॉक कर दीजिए सर. ओके लॉक कर दिया, मान लिया भाई. ओके तो हाउ मेनी ऑफ यू आर राइट. एकदम बिल्कुल सही अक्षित, बिल्कुल लॉक कर दिया. मोहम्मद शमीम, सेकेंड टाइम योर आंसर इज राइट. आई एम टेकिंग योर नेम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. अ बुक टाइटल्ड दैट अंडर द दियोदास, द एडवेंचर ऑफ मिस रिपली बीन वॉज रिटन बाय. कितना अच्छा नाम है बुक का देखिए, दैट अंडर द दियोदास, द एडवेंचर ऑफ मिस रिपली बीन्स. यह किताब किसने लिखी थी? दैट अंडर द दियोदास, द एडवेंचर ऑफ मिस रिपली बीन. यह बीन वर्ड देख के मिस्टर बीन की याद आ रही. दैट्स ग्रेट. ओके लेट्स सी द आंसर. लेट्स लेट्स गो अहेड. जल्दी 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 सभी लोग. 4 नंबर अंकित, 3 नंबर यहां पे कह रहे हैं. अंकित, अंकिता रानी इज गोइंग फॉर रस्किन बॉन्ड. ओके वैभव इज गोइंग फॉर नंबर 4. रस्किन बॉन्ड 4 लॉक कर दिया जाए. अब जब मेजोरिटी ये कह रही कि सर लॉक कर दिया तो मैं भी लॉक कर देता हूं. ओके यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर राइट. किसी ने कहा सर बुक का नाम याद नहीं रहता. देखिए यहां पे मैंने कहा कि मिस रिपली बीन, लास्ट में बीन वर्ड के साथ मिस्टर बीन्स याद आते हैं. ठीक है तो उनको जोड़ सकते हैं बीन और बीन्स के साथ. ठीक है दैट्स ग्रेट. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. अरसलान कह रहे हैं कितना अच्छा नाम है, एक दिन में याद हो जाएगा. बिल्कुल सही अरसलान. देखिए आप एसोसिएट करिए, आप याद कर लोगे. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स
2016 यानी 2016, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2016? आंसर आपके सामने, निको रोजबर्ग, सेबेस्टियन वेटल, लिविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन एंड डैनियल रिकार्डियो। तीन नंबर, एक नंबर, तीन नंबर, कम ऑन, जवाब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आपके जवाब आते जा रहे हैं, जवाब आते जा, और तेजी से जवाब आते जाइए। और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे लोग आते हैं, और जब लोग आते हैं, जब कंपटीशन का असल मजा तब आपको आएगा। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, अगर उसका जवाब आप देते हैं और उसके साथ हजार और लोग जवाब दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। यू आर एक्यूरेट वेन यू आर गिविंग द आंसर, बट इज योर स्पीड गुड? दैट इज द क्वेश्चन, इज योर स्पीड गुड? दैट इज नीडेड। ओके ओके, कम ऑन, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू डू। द आंसर हियर इज, आंसर नंबर थ्री इज योर आंसर। देवेंद्र कुमार राजकुमार चौधरी ने कहा था वन, बट आई एम सॉरी, दैट इज नॉट। किसी ने पूछा है सर, इन सवालों में से कितना आने का चांस है, अगर यही मुझे पता होता तो शायद मैं या तो पेपर सेटर होता या भगवान होता। वी कैन ओनली गेस, वी कैन ओनली ट्राई। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हमारे पास सवाल आ रहा है अगला, 39, एंड क्वेश्चन नंबर 39 सेज दैट रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही आसान आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का नाम क्या है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, जल्दी से। दीपक लूथरा आपका नाम मैंने ले लिया, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा, सभी लोग बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, कम ऑन, गिव मी द आंसर। ओके ओके, सभी लोग कह रहे हैं सर, सर नंबर टू, नंबर वन, नंबर थ्री। ओके, फाइनल आंसर लॉक कर देता हूं, टाइम नहीं लेता हूं, जल्दी से जवाब देख लीजिए। आपका जवाब है ओके। जितने लोगों ने नंबर टू कहा, आप सभी लोग सही हैं, सभी लोगों ने अच्छा जवाब दिया। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर, 40 नंबर सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम व्हिच इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, देखिए यहां रिड्यूस करने की बात की गई है, मैं कहूंगा अवॉइड करने के लिए, किस सिस्टम का, सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सिस्टम जो है वो बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए है, सावधानी बरतने के लिए, वही सब आपके ऑप्शन में लिखा गया है। जल्दी से नाम मुझे बता दीजिए। आंसर नंबर फोर सर, आंसर नंबर फोर, और सभी लोग जवाब दे रहे हैं आंसर नंबर फोर, कम ऑन, जल्दी से जवाब दो। सबका नाम मैं लूंगा, लेकिन नाम तो मैं पढ़ लूं। वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स गो विद द आंसर। The answer here is त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कहा गया, देखिए भारतीय भारत के कल्चर में अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव को कहा जाता है कि उनके पास त्रिनेत्र है, तो that's the thing। Okay, let's go ahead। 41, question number 41 is government of which state has decided to start Annapurna रसोई program to provide quality meal at cheap and affordable price to people belonging to weaker section and laborers। यानी जो weaker section है society के लिए, उनके लिए अन्नपूर्णा रसोई program किस state के government ने चालू किया। बहुत सही, चार नंबर जवाब आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं केरल है, कुछ लोग कह रहे तीन नंबर है, कुछ लोग कह रहे शुभांकर मैंने आपका नाम ले लिया, राजस्थान आपने लिखा हुआ था, कुछ लोग उड़ीसा। ओके ओके, योर आंसर्स आर राइट, कम ऑन, गो अहेड विद योर आंसर्स, गो अहेड विद योर आंसर्स, जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू कीजिए। देखिए अभी 331 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ, आई वॉन्ट मोर पीपल टू वॉच दिस, आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर कलीग्स टू बी पार्ट ऑफ द शो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट। ओके, लेट्स गो विद द आंसर। I hope you are ready to see the answer. I hope you are ready to face the reality right now. The answer is number 3. How many of you have given the same answer? कितने लोगों ने जवाब दिया था? याद रखिए ये recently का सवाल है,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शुभांकर मंडल, योर नेम हैज बीन टेकन. वेरी गुड, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड दैट सिंपली मीन्स दैट वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस एंड दैट ऑल्सो मीन्स प्लीज शो मी योर स्कोर कार्ड. व्हाट इज द स्कोर दैट यू हैव गेट? ओके देवजीत, वेरी गुड. ओ मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग 9 नंबर्स, दैट्स वेरी नाइस. दैट इज वेरी ग्रेट. रॉन्ग हो गया रागिनी शर्मा, कोई बात नहीं, अगला आप कर लेना, अभी भी बहुत सवाल आपके सामने आने वाले हैं. स्कोर दिखाइए मुझे प्लीज, सभी लोग स्कोर दिखाइए. शुभांकर मंडल 9 out of 10, पूरा एकदम लॉक कर देने वाली स्थिति में है. अंकित इज 8, अरसलान इज 8, देवजी 7, 10 out of 10, कोई था मैं नाम मिस कर गया. बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Are you ready for the next question? The next question here is, where did Union Minister for Science and Technology and Earth Science Dr. Harshvardhan inaugurated the India International Science Festival IISF 2016? IISF 2000. देखिए सवाल बस इतना है, IISF 2015 कहां पे inaugurate किया गया? पवन चौहान जस्ट ज्वाइन, डोंट वरी, देर आर स्टिल क्वेश्चन फॉर यू टू. 10 में 10 विनय कुमार, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. देवेन देवेन, वेरी गुड, 10 में 10 देवेन ने भी पाया है. बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जवाब देते रहिए, जल्दी जवाब देते रहिए और जल्दी से जवाब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं. 2 नंबर, द आंसर इज नंबर 2 एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. बहुत आसान, बहुत ही आसान सा सवाल था, इट वॉज वेरी इजी टू आंसर, यू डोंट हैव टू थिंक वेरी मच फॉर दैट. Let's go with the answer now. Let's go ahead with the question again. Recently, who has been appointed as the Director General of Civil Aviation? Civil Aviation मतलब नागरिक विमानन की बात कर रहे हैं हम लोग. असिक शाह, लेट ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं. सुजीत मंडल, 10 में 10, जल्दी से जवाब दीजिए, कम ऑन टाइप क्विक, जल्दी से जवाब दीजिए. ऑल आर हैप्पी. शुभांकर मंडल फिर से अपने मसल दिखाना शुरू कर दिए, वेरी गुड. कविता इज क्लैपिंग हैंड, दैट्स गुड. ओके, इस सवाल का जवाब दीजिए कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. सिविल एविएशन आप समझ सकते हैं, हम यहां मिलिट्री चीजों की बात नहीं कर रहे, सिविल एविएशन नागरिक विमानन की बात कर रहे हैं, उड्डयन की बात कर रहे हैं हम लोग. लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि लोग आ सके और ये कॉम्पिटिशन और भी तगड़ा हो सके. ओके, सभी ने जवाब दे दिया है, सभी ने जवाब दे दिया है, आगे बढ़ते हैं. आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 इज द राइट आंसर. कितने लोग सही जवाब दिए थे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्राची, अमोल इज वेरी गुड. नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज प्राइम मिनिस्टर शफकत मिर्जोवी बिकम द कंट्री सेकेंड प्रेसिडेंट. अब पूछ रहा है कि कहां, किस कंट्री के सेकेंड प्रेसिडेंट ये बन गए. प्राइम मिनिस्टर शफकत मिर्जी योयेव, याद रखिएगा मिर्जी योयेव, इस टाइप के नाम आपको कहीं ना कहीं चेकोस्लोवाकिया, रशिया या उसके आसपास के राष्ट्रों में सुनाई देता है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब सभी लोग कह रहे हैं सर नंबर 1 इज द राइट आंसर. लेट्स सी क्या आंसर इसमें राइट आंसर कौन सा है, यह देखना बहुत जरूरी है. ओके, मान लिया यू आर राइट. मैंने कहा था कि वो राष्ट्र जो रशिया, जेकोस्लोवाकिया और इससे यूएसएसआर के आसपास, जो एक यूएसएसआर कभी हुआ करता था उसके आसपास, वहां पे ऐसे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे. चलिए अगला सवाल, तालियां बजाना मत भूलिए, अपना हौसला और लोगों का हौसला बढ़ाना मत भूलिएगा, टीम में बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कीजिए. क्वेश्चन अगला आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया हैज अग्रीड टू ट्रेन सुखोई 30 फाइटर पायलट्स ऑफ विच कंट्री इन ऑर्डर टू बूस्ट ग्रोइंग डिफेंस टाइज बिटवीन टू कंट्रीज. देखिए दो देशों के बीच यहां डिफेंस टाइज की भी बात की गई है, सुखोई 30 फाइटर प्लेन के पायलटों की ट्रेनिंग की भी बात कही गई, यानी भारत ट्रेनिंग दे रहा है उनको
और सबसे बड़ी बात यह है, ये ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि उन दोनों राष्ट्रों के बीच में जो डिफेंस टाई है वो और मजबूत हो सके। देखिए जवाब आ गया, वियतनाम नंबर 2 लोग कह रहे हैं, रशिया कह रहा, कुछ लोग कह रहे हैं, फ्रांस की कुछ लोग बात कर रहे हैं नंबर 1 नंबर 2। अब यहाँ लड़ाई फिर से छिड़ गई है, लोगों का ओपिनियन डिफरेंस होता जा रहा है, ओपिनियन यहाँ डिफरेंट होना शुरू हो गया है लोगों का। अब देखते हैं कौन यहाँ पे सही था। सही जवाब नंबर 2 वियतनाम, कितने लोगों ने सही जवाब दिया था, उनके लिए ताली तो बनती है। और यहां 15 सवाल आपके पूरे हो गए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने स्कोर दिखा दीजिए ताकि मैं तेजी से आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत से सवाल आपके लिए हैं। ओके, जब तक आप अपने स्कोर मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तब तक मैं अगले सवाल पे चल रहा हूं। 46, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च इट्स ग्लोबल स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च पैड इन इंडिया दैट विल इनेबल इंडियन स्टार्टअप टू सेल देयर प्रोडक्ट ओवरसीज। अब देखिए यहां पे बाकी चीजें भूल जाइए, बस सवाल इतना है कि लॉन्च पैड इंडिया में किसने लॉन्च किया। ई कॉमर्स कंपनी है, उसने लॉन्च पैड लाया, ठीक है, बस इसी इसी का जवाब आपको देना है। 3 नंबर, अमेजन, किसी ने लिखा है अमेजन सर, अमेजन इज द राइट आंसर। फ्लिपकार्ट कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग अमेजन, डिफरेंस इन ओपिनियन आना शुरू हो गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी लोग 1 2 3 कह रहे हैं। लेट्स गो अहेड, 15 में 14 पाए मोहम्मद समीम। ओके, चलिए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। ओके, अमेजन इज द राइट आंसर, दैट द आंसर दैट यू हैव गिवन इज द राइट आंसर। लॉन्च पैड इज रिलेटेड टू व्हाट, अमेजन। बाकी के सवाल में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो बातें ज्यादा मायने नहीं रखती, यहाँ पे दो ही चीज कनेक्ट करती है, एक तो वो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है और दूसरा वो कंपनी का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47, विच IIT एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंड अ MOU टू इंक्रीज कोलाबरेटिव एफर्ट टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए बहुत कहानी बहुत लंबी लिखी गई है यहाँ पे, लेकिन पूछा बस यही गया है कि IIT एंड यूनिवर्सिटी ने जो मेमोरेंडम साइन किया है, एक भारत की IIT थी, दूसरी न्यूयॉर्क की एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थी, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में मेमोरेंडम साइन किया। सवाल यहाँ पर यह है कि वो IIT कहाँ की थी, वो IIT कहाँ की थी। सवाल किसी भी तरीके से हो सकता था कि उस पर्टिकुलर IIT ने किससे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, सवाल ऐसे भी हो सकता था कि किस फील्ड में साइन की है। तो ये पूरा सवाल अपने आप में 4 सवाल बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। बताइए कहाँ की वो IIT थी, कहीं आपके आसपास की IIT तो नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं सर कानपुर, एंड रंजन इज नाउ विद द आंसर ऑफ उज़्बेकिस्तान, अपना कानपुर। मुकेश द्विवेदी सिंह, अपना कानपुर, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल। सर मेरा नाम नहीं लिया आपने, सुंदर मंडल आपका नाम हमने ले लिया, शुभांकर का मसल। ओके, चलिए जवाब देते हैं, जवाब आपके सामने है, आपका कानपुर, बिल्कुल आपने जवाब जब दिया था अपना कानपुर। एकता यादव, आप भी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लवली गुप्ता, आपने भी बहुत सही जवाब दिया, सभी लोग सही जवाब दिए हैं, IIT कानपुर, बिल्कुल। सुरंजन भौमिक, आपका नाम भी हमने ले लिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज, रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस अ पार्टनरशिप विथ ओला कैब एग्रीगेटर अंडर विच इट विल सेट अप मोबाइल ATM इन दिल्ली एंड NCR, दिल्ली और NCR में एक मोबाइल ATM की बात कर रहे हैं, मोबाइल ATM सेटअप करेंगे, कौन से बैंक से ये ओला कैब ने। ओके, एक्सिस बैंक का जवाब आ रहा, PNB स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ लोगों का सेंटर कानपुर में पड़ा हुआ है, जवाब में मिल रहा है कि सर कानपुर, दैट इज ग्रेट, दैट इज गुड आंसर, लेकिन बहुत जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए, अभी बहुत से सवाल बाकी है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जवाब मिल चुका है और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पंजाब नेशनल बैंक, जिन्होंने जवाब दिया था पंजाब नेशनल बैंक, देखिए ओला कैब ने और बहुत सी संस्थाओं ने, क्योंकि हम लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन और इस वक्त करेंसी को मार्केट में फ्लो करने के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है, तो कई संस्थाएं आगे आई हैं, वो भारत सरकार के साथ और
जहां भी संभव हो सके वो देश के बैंकों के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं पब्लिक को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू पे वेजेस टू टी ग्रीन टी गार्डन वर्कर्स थ्रू इंडिविजुअल बैंक अकाउंट। और कितने लोग यहां पे अभी जो मौजूद हैं वो असम साइड के हैं, इसका जवाब तो शायद आपको मालूम ही होगा। जी हाँ, असम की चाय बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया, और अगर आज भी सुबह आपने चाय पी होगी तो वो कहीं ना कहीं वहां के मजदूरों की मेहनत है जो आपके उस कप तक पहुंची है। ओके, जवाब सभी लोग दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर, जहां सब लोग एक ही जवाब देते हैं वहां मैं सोचता हूं कि चलो भाई हम भी जवाब दे ही देते हैं, लेट्स नॉट टेक टाइम। जवाब आपका आ गया सामने, यू ऑल आर राइट, सभी लोग सही हैं। मोनू कुमार बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 50। हाउ मेनी इंडियन बॉर्न सीईओज हैज बीन फीचर्ड इन फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट 2016? हाउ मेनी इंडियन बॉर्न, याद रखिएगा इंडियन की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन बॉर्न, यानी भारत में जो लोग जन्मे थे, भारत के जन्मे हुए सीईओ, इंडियन बॉर्न सीईओज। जल्दी से जवाब दीजिए, ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, जैसा ऑप्शन है वैसा ही आपके पास चॉइसेस है। मोनू कुमार आपका नाम ले लिया, जल्दी से जवाब देना शुरू कर दीजिए, बहुत ही कम। ओके, सभी लोग कह रहे हैं सर चार, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर चार सही है। प्रियसी रानी इज सेइंग दैट सर चार सही है। ओके, लेट्स सी। ओके, आई एक्सेप्ट योर आंसर, दैट इज ऑब्वियस द आंसर, चार सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है जिसपे चार लिखा हुआ है, दैट इज राइट। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 51, बट बिफोर दैट प्लीज टेल मी योर स्कोर एंड शो मी योर स्माइल क्लैपिंग, और इसी में मौका निकाल के सब्सक्राइब और शेयर करना शुरू कर दीजिए, लाइक करना शुरू कर दीजिए, दोस्तों को बुलाना शुरू कर दीजिए। जल्दी से सवाल नंबर 50 का जवाब हो चुका है, और देश 15-20 में से 29, अनुराधा 30 में से, निशु इज 11 आउट ऑफ 20, 29 अनुराधा गुप्ता, सुंदर मंडल 15-20 में से, कुछ लोग लेट ज्वाइनिंग किए थे 18-20 में से। ओके, विमल इज 16, बहुत सही, आई एम लेट कोई बात नहीं, सिया प्रसाद कोई बात नहीं, आशीष इज 26। ओके, तो सभी जवाब आ चुके हैं, अब चलते हैं अगले सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले फिर से बात वही, क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई नो योर ऑब्वियस आंसर वुड बी यस, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बूस्ट यू अप, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्चर ऑफ हुम इज अमॉन्ग द 100 most influential image of all time according to compilation by Times Magazine. Time Magazine ने पिक्चरों की compilation की, उसमें से टॉप 100, जो 100 लोगों की एक इमेज लाई गई, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो लोग कौन थे? ये जवाब है आपके सामने, जवाब आपके सामने है, मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल किसके अनुसार? टाइम मैगजीन के अनुसार, और उसमें नाम आपके सामने है नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, इतने नाम आपके सामने आए हुए हैं। ये जितने भी नाम आपके सामने हैं ये इतिहास रचने वाले लोग हैं। सो मैक्सिमम सभी लोग कह रहे हैं सर गांधी जी इज द राइट आंसर, सभी लोग जवाब यही दे रहे हैं, महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे हैं, और अगर आप महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे हैं तो लेट्स गो अहेड विद आंसर। ओके, यू ऑल आर एग्जैक्टली एंड एब्सोल्युटली राइट, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, सोनल, गांधी जी का चरखा, गांधी जी की लाठी, ये हमारे इतिहास को बना, इन्होंने हमारे इतिहास को बनाया है। 52, नेम द सेकेंड इंडियन अमेरिकन वुमेन एट टॉप एडमिनिस्ट्रेशन पोजिशन इन US फेडरल एजेंसी। नेम द सेकेंड इंडियन अमेरिकन वुमेन एट अ टॉप एडमिनिस्ट्रेशन पोजिशन इन US फेडरल एजेंसी। नाम बताइए, जल्दी से नाम बताइए। कमाला हैरिस, प्रमिला जयपाल, डायन हमिटेवा,
शशि सिंह, सीमा वर्मा। यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉप पोजीशन पे इंडियन अमेरिकन कौन है? सेकंड, सी इज द सेकंड इंडियन अमेरिकन। जाहिर सी बात है, लेडी का नाम है। अंकित जैन कह रहे हैं, सर यू आर ऑसम, थैंक यू वेरी मच अंकित, आई वॉन्ट यू टू बी ऑसम, मेक योर करियर इन बैंकिंग, एक अच्छा सा आप करियर बनाइए, एंड बी ऑसम इन योर विलेज, बी ऑसम इन योर सिटी, बी ऑसम फॉर योर कंट्री। ओके, जवाब पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 5, सीमा वर्मा इज द राइट आंसर। बहुत लोगों ने सीमा वर्मा जरूर लिखा था, लेकिन मैक्सिमम लोग इस जवाब में कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे थे। ये सही जवाब है, आप देख लीजिए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 इन फ्रंट ऑफ यू। वेयर डिड कलराज मिश्र, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी कई बार सवाल बन जाता है, लेट द फाउंडेशन ऑफ स्टोन फॉर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, यानी एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर कहां पर बनेगा? सवाल बस इतना है, एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर कहां पर बनेगा? कहीं ये कानपुर का नाम दोबारा दिख रहा है मुझे, वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, झांसी, देखते हैं कहां पर बनता है। आपका जवाब क्या है? वॉट इज योर आंसर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, लॉक करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं यहां पे, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। नोएडा लिखा है विजी ने, बहुत बड़ा सा। नंबर 2, नंबर 1 देखिए, अब यहीं पे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम का जवाब है नंबर 1। देख लेते हैं आखिर जवाब क्या है। ओके, यू आर राइट, जिन्होंने नंबर 1 जवाब दिया था, यू ऑल आर राइट, और ये जवाब आपका बिल्कुल सही था, और ये जवाब मैं एक्सेप्ट करता हूं, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 54 पे चलता हूं। कियो वुल्फोर्ड, हु रिसेंटली डाइड, वॉज रिलेटेड टू, बताइए कियो वुल्फोर्ड किससे संबंधित थे जिनका निधन हाल ही में हो गया? सवाल नंबर 54, कियो वुल्फोर्ड हु डाइड रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड थे? ऐसे सवाल बहुत आते हैं, इसलिए जल्दी से बताएं ये किससे रिलेटेड थे, जल्दी से जवाब दें आप। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, फिल्म से रिलेटेड। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये फिल्म से रिलेटेड है, कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं, और कुछ लोग 4 नंबर यानी कल्चर से रिलेटेड हैं, कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स की, कुछ लोगों ने ऑनेस्टली कह दिया सर डोंट नो, यानी वो क्वेश्चन को स्किप कर गए। बिल्कुल याद रखिए, जिस सवाल का जवाब आपको मालूम ना हो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सीधे आगे बढ़ जाइएगा एग्जामिनेशन में। हर सवाल का आपको जवाब मालूम हो ऐसा नहीं हो सकता, और हर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ऐसा भी नहीं है, ये गेम स्पीड और एक्यूरेसी का है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करें ऐसे सवालों का जिसका सही जवाब आप दे सकें और जल्दी जवाब दे सकें। चलिए इसका जवाब देखते हैं। ओके, फिल्म इंडस्ट्री इज द राइट आंसर, कल्पना ने स्किप कर दिया था, लेकिन बहुत लोगों ने ट्राई किया और बहुत लोगों का सवाल जवाब जो है वो सही निकला, लेकिन कुछ लोगों का जवाब जो है गलत निकला। सो डोंट वरी, विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 55, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी पीएचडीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइए। नंबर 1 विशाल सिक्का, राजीव तलवार, नंबर 2 नंबर 3 अशोक लवासा, नंबर 4 विपिन रावत, नंबर 5 श्रीकांत राव। बहुत सही जवाब आना, 4 गलत हो गया। मुकेश कह रहे हैं डोंट वरी मुकेश, अगला सवाल, अगले सवाल का आप जवाब दे दीजिए, ये सवाल आपके लिए सही हो सकता है। एंड रिमेंबर, डू नॉट एवर गो फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए कभी मत जाइएगा, जवाब सही हो तभी जवाब दीजिएगा, अदर 0.25 चले जाते हैं, इसलिए हमेशा सही जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, जैसा कि आपके सामने मैसेज आ रहा होगा, बिल्कुल ये मैसेज इसलिए है कि आप मैक्सिमम जितने कॉम्पिटिटर आपके पूरे भारत में, ये भी आपको पता चल जाएगा, इससे आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का भी एक अनुमान लग जाएगा। चलिए जवाब देख लेते हैं, सब लोग कह रहे हैं सर नंबर 2, नंबर 2, कुछ लोग कह रहे हैं नंबर 1, जवाब देखते हैं क्या है। ओके, नंबर 2 जिन्होंने कहा राजीव तलवार जी इसका आंसर है, उनका जवाब सही है। लेट्स गो अहेड, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेम्ड द इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर एट द 2016 एस्क्वायर मैन एट हिज बेस्ट अवार्ड हेल्ड इन दुबई। दुबई में मैन एट हिज बेस्ट अवार्ड एक हेल्ड किया गया था, हुआ था, आयोजित किया गया था, वहां पे इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, उनका नाम बताइए। रणवीर कपूर, सलमान खान, सुशांत सिंह राजपूत, रणवीर सिंह, जॉन अब्राहम, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देव कह रहे हैं नंबर 1 उमेश वाड़ का, नंबर 4
And Priya is happy that she has given the right answer. Abhijit is saying number four. Kalpana number four. Okay, number four. सब रणवीर के फैन लग रहे हैं सब लोग. हीरोइन में दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी पढ़ाई की है आपने. रणवीर सिंह सभी लोग रणवीर सिंह के फैन हो गए हैं. चलिए अगला, इससे पहले अगले सवाल पे आए इसका जवाब देख लीजिए. जवाब आपके सामने आ रहा है. ओके, रणवीर सिंह इज द राइट आंसर. चार नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है. आगे चलते हैं, अगला सवाल है. क्वेश्चन नंबर 57. मनोहर पारिकर बिकम द फर्स्ट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट. अब बताइए, यहां पे इतने राष्ट्र आपके सामने हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान, और पहला डिफेंस मिनिस्टर उनको उस राष्ट्र को विजिट कर रहा है. पहले नाम बताइए. मनोहर पारिकर साहब उसको विजिट कर रहे हैं. उस देश का नाम बताइए जहां पे वो पहली बार गए थे, या कोई भी पहला डिफेंस मिनिस्टर वहां पर गया था. सर मेरा नाम ले लो, लेकिन आपका नाम मैं मिस कर गया. कोई बात नहीं. ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सर बांग्लादेश इज द राइट आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं सर पाकिस्तान, कुछ लोग कह रहे हैं सर आई एम अनवीर फैन. बहुत सही, गुड. चलिए आंसर देख लेते हैं. बांग्लादेश इज द राइट आंसर. और आपके सामने तीन सवाल और बचे हुए हैं, और ये तीन सवाल आपको बताएंगे कि आप कहां पे अभी स्कोर कहां पर आपका स्कोर जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 58. विथ विच फाउंडेशन L&T इंफोटेक अनाउंस इट्स कोलैबोरेशन फॉर प्रोमोटिंग लिटरेसी ऑफ 10,000 चिल्ड्रन स्टडिंग इन 35 गवर्नमेंट स्कूल्स इन अराउंड बेंगलुरु. यानी यहां पे L&T ने कोलैबोरेशन की बात की है लिटरेसी प्रमोशन के लिए बेंगलुरु के आसपास. अब वो फाउंडेशन का आप नाम बताइए. रिलायंस फाउंडेशन है, सेव द चिल्ड्रेन है, कंसर्न इंडिया फाउंडेशन है, एक्सिस बैंक फाउंडेशन है, या अक्षय पात्र है. जवाब दीजिए जल्दी से. इसके बाद हमारे पास दो सवाल और बचे रहेंगे, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि अपना स्कोर आप लोग जरूर मुझे दिखा दें. आई वुड बी वेटिंग फॉर योर स्कोर. बहुत सही, जवाब लोग देते जा रहे हैं, जवाब लोग देते, जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए, समय की बहुत कमी है. बहुत सही, अक्षय पात्र. कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं सर अक्षय पात्र है, कुछ लोग कह रहे हैं नंबर फाइव, कुछ लोग कह रहे हैं सर फाइव इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है. कुछ लोग कह रहे हैं रिलायंस, कुछ लोग कह रहे हैं रिलायंस फायर, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पता. सो ऑनेस्ट आंसर. चलिए जवाब देख लेते हैं. जवाब आपके सामने, अक्षय पात्र इज द राइट आंसर. रूबी कश्यप इज लेट, डोंट वरी, यू कैन वॉच द वीडियो. ओके, चलिए अगला सवाल. 59. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग विराट कोहली स्टूड एट. जो आईसीसी की रैंकिंग आई थी, विराट कोहली उनका स्थान क्या था. याद रखिएगा, ये जो रैंकिंग आती रहती, स्थान चेंज होते रहते, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग इफ गोइंग अदर वे. ठीक है, इसलिए इसको टाइम टाइम पे आपको अपडेट करते रहना चाहिए. अभी फिलहाल जो हमारा सवाल है वो लेटेस्ट रैंकिंग से ये है कि विराट कोहली का पोजीशन क्या है. विराट कोहली की पोजीशन बताइए. चलिए जवाब देखते हैं. कितने लोगों का जवाब सही था. बिल्कुल सही था. बहुत सही, बहुत सही. सभी लोग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वर राइट. और कुछ लोग कह रहे हैं सर थैंक्स टू बीसीए, बीसीए प्रोग्राम बिल्कुल इसीलिए बनाया गया था कि आप मेरे सवालों का जवाब इस वक्त दे सकें. मॉर्निंग में बीसीए जरूर देखें, और बाद में जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो उस सवाल में पार्टिसिपेट करके जरूर जवाब दें. और ये आपके सामने आज का आखिरी सवाल. अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज फर्म मॉर्गन स्टैनली, व्हाट इज इंडिया जीडीपी रेट फॉर करंट फिस्कल. यानी करंट फिस्कल ईयर के लिए मॉर्गन स्टैनली ये बता रहे हैं कि हमारे जीडीपी रेट क्या होगा. बताइए. बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए. ये आखिरी सवाल है आज का. इसके बाद आपको अपना स्कोर दिखाना है, और इसके बाद आपको लिखना है ये कि कैसा लगा आपको ये जो दो सेशन में हमने 60 सवाल आपसे कराए, और क्या ऐसे सेशन आपको कराए जाएं, और कराए जाएं तो किस इंटरवल पे कराए जाएं. आपके सजेशन की रिक्वायरमेंट है, इस कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल आप अपने सजेशंस डाल सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज हमसे शेयर कर सकते हैं. लेकिन सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर ना जाने किसकी किस्मत बदल सकता है. तो जवाब देखने के लिए आप लोग शायद तैयार. शुभांकर मंडल स्माइलिंग फेस के साथ चार नंबर जवाब दे रहे हैं. द आंसर हियर इज नंबर टू.
7.3%। मजा आ गया, कह रहे हैं रवि क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे सवाल और जवाब के सेशन पर्टिकुलरली जनरल अवेयरनेस में किए जाएं? जवाब जरूर दें, और जवाब देते वक्त उसमें जरूर लिख दें कि #RRBPOGA और लिखकर अपना रिक्वेस्ट जरूर करें। स्कोर बता दीजिए एक बार अपना अपना प्लीज, इससे पहले हम सेशन को क्लोज करें। अपना स्कोर जल्दी से बता दीजिए। 60 में 55 नंबर पाया, बहुत सही, अपना स्कोर बता दे जाइए। 29, 30 में 30, आई कुड नॉट रीड आउट योर नेम बिकॉज इट्स गोइंग वेरी फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे स्कोर्स आपके आए हैं, बहुत अच्छा जवाब और बहुत ही अच्छी वर्किंग। तो फिलहाल विल कंक्लूड हियर। ये 60 जो आपके सामने सवाल थे, हमारी कोशिश थी कि ये 60 सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए। कुछ भी अगर इसमें से सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आपके लिए एक अच्छा और आसान सा नंबर बन जाता है। जाने से पहले रिक्वेस्ट वही है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना जाने कब आपकी लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब किसकी किस्मत बदल सकता है, और दूसरों की किस्मत अगर आप अच्छी करोगे तो उसका प्लस पॉइंट आपको ऊपर वाला जरूर देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।